मानसिंह तोमर या बाकी फिल्में, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दे हैव बीन इंस्पिरेशन. बट या बट एक प्रयास जरूर किया है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, ऐड मोर ड्रामा, डू समथिंग इंटरेस्टिंग. तो पात्रों के चलते ही ये फिल्म अलग है, उनकी अलग कहानी है. हर एक पात्र इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हालांकि स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता सब अपनी छाप छोड़ के. और ये कहानी उस रिस्ट्रक्स की है, अदरवाइज को हालांकि घटनाओं से है उस पर नहीं है, लेकिन एक अलग उसका व्यक्तित्व है, तो उसके चलते ही कहानी बिल्कुल अलग. इस तरह की कहानियाँ अक्सर सेंसर बोर्ड में बहुत संघर्ष करना पड़ता है. पंडित क्वीन भी थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत उम्दा है, इतने सारे अवार्ड फंक्शन में गई और हमें तो प्राउड हो रहा है. और मुझे लगता है कि मेरे जो और भी दूसरे साथी हैं जो मीडिया में लिखते हैं, उनको इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए. धन्यवाद. जिनको जरूरत है और अच्छी फिल्म है. लेकिन क्या थोड़ा सा आप बताएंगे कि इनफैक्ट हम लोग भाग्यशाली रहे कि विजुअली कुछ कट नहीं किया, जो था बिल्कुल वैसे ही टाइम रखा. अब डाकुओं की भाषा है तो डाकुओं की भाषा है, और फिर उधर सेंसर बोर्ड का के नियम है तो सेंसर बोर्ड के नियम है. तो आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मना है, उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते. अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप ये कीजिए, रिव्यू पैनल में दीजिए फिल्म को. रिव्यू पैनल में नहीं मानते रिव्यू पैनल वाले तो कोर्ट जाइए. मतलब 2.5 लाख रुपये, हम तो छोटे प्रोड्यूसर थे, हमने कहा जिस तरह को आप जो कहेंगे तो कुछ छोटा मोटे छोटे मोटे चेंज करके सवेरे टिफिन का डब्बा लेके सेंसर बोर्ड में बैठे रहते थे. 2 महीने लगातार सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं सर. फाइनली एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला, मुझे रोक दिया, बोले यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, रुक जाओ यहाँ मत बोलो, हाँ नहीं तो ये और रगड़ देंगे. तो रोज सवेरे लंच बॉक्स लेके जाते थे, रात को आते थे, और 2 महीने सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं. इनका अनुभव बहुत आपने पहले से सोच के रखा था कि गाने की सिचुएशंस नहीं होंगी? गाने की सिचुएशन सर एक्चुअली जब हम उससे वर्क कर रहे थे उससे बनती चली गई, और कुछ चार गाने हैं इसके अंदर अपेरेंटली. लेकिन कहीं पर मुझे पर्सनली लिप सिंक का कोई जगह नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली. लेकिन हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि गाना चलता रहा और उसमें सिचुएशन आगे बढ़ती रही वैसा टाइप से. जी हाँ, बैकग्राउंड में चलता रहा तो, और वो सिचुएशन वैसी बन गई जहाँ पे कुछ यू हैव एन एक्शन सीक्वेंस, लेकिन उसको जो है वो तो उससे और पूछ पड़ेगा. तो समथिंग मालिक हमारी हर पिक्चर करते हैं सुन के आई हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ मूवी दैट इज बीइंग मेड. और आज यहाँ पे ट्रेलर देख के
I didn't know what to expect, but my mind was sincerely, genuinely blown. Agar aapne mera chehra dekha hota while watching the trailer, mera muh actually thoda sa khula reh gaya tha, because it just watching all of his stories come alive like that in a 40-second clip blew my mind today, and I'm so overwhelmed and happy and excited about this project. Being an actress, you know, different kind of films are in different settings. So what kind of role you want to play if you're given that challenging kind of role? Every actor is always excited about playing new roles. Every actor is excited about portraying a new story, a new character. लेकिन जो ऐसी फिल्में होती हैं, जो actually एक real life पे बनती है, एक ऐसी कहानी होती है, characters होते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं. These are not things that are relatable to us in our lives and our environment. ऐसी कहानियाँ जो बनती हैं, क्योंकि इतनी सारी ज़िंदगियाँ इन कहानियों से affect होती है, जो हम realize भी नहीं करते. जो जब ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती हैं screen पे, this is a very exciting opportunity for every maker, for every actor. So to be involved in a project like this, I think, is extremely exciting for everyone. Do you feel like audience have grown mature in watching the kind of content they want to, and you know, the taste have changed since the last decade? I definitely think so. I definitely think that the audience is also evolving in the content that they're consuming. I think aajkal itni sari variety ki filmein ban rahi hain aur accept ki ja rahi hain. You know, I had a film, I was a part of this film called Tum Bin. That was Anubhav Sinha's directorial debut. And mujhe aisa lagta tha ki Tum Bin, for example, agar is waqt release hui hoti, it would have done phenomenally well. But hamari audiences tab itni ready nahi thi, because we were still in coming out of the 90s. We were still watching, Govinda and Larger Than Life performances. So, wo jo subtleties hain, I think aaj audiences understand kar rahi hain, accept kar rahi hain, and I'm so happy that these films are being put on the menu and people are ordering them. It's a very exciting time for Indian cinema as such, because there's a variety out there and people are accepting it. It's amazing. And lastly, what's going on, Professor Funda? Are you looking for any projects or something? I'm actually working on a new web series, and it's again very content driven. मैं बहुत excited हूँ script को लेके, और ये बहुत कम होता है, because you know you can get excited about opportunities, but जब आप script को लेके excited होते हैं, that's a different kind of excitement for an actor. So I'm very very excited, and we're going to start filming in about 10 days. So thank you. I think that the film has a very earthy, very rustic feel to it, obviously. It seems to be what happens in the interiors of Bihar, which I'm extremely unfamiliar with. But I think it's a good thing that the film is made on the scale that it's made, because I don't think you can capture the sort of indigenous feel of the space without the sort of team that knows the place really well. The characters seem incredibly real, and they fit the feel of the film really well. The locations look really great. It seems quite violent, quite rough. So I think the flavor of it comes across really well. I'm unfamiliar with the premise, but I do think it looks very promising. Yeah. I'm currently working on an Amazon show for Nikhil Advani, and that's still in production, and there's a huge amount of secrecy around it, so I'm not allowed to say much more. First of all, तो congratulations on the best and happy new year. और इस तरह की जो फिल्में हैं, लोगों को बहुत अच्छा मसाला मारफाड़ और अच्छा ऑडियंस, और जो सबसे मैंने ट्रेलर देखा तो बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा कि सब्जेक्ट और स्टोरी भी अच्छी है, तो बदलकर इनको अच्छा ओपनिंग मिले और अच्छा काम करे और सभी की फिल्म चले और सभी का अच्छा हो। एकदम रिफ्रेशिंग मूड है। हम लोग फिल्में देख बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप की हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की हो, बट ये फिल्म एक्सक्लूसिव है, सुपर है। 2.5 साल लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए और बहुत ही भीड़ में ये फिल्म बनी है। एक और गैंगस्टर वाली फील है। अगर आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी है, अगर वो आपका जॉनर है तो ये फिल्म उससे बढ़िया है, उससे अच्छी है, मैं कहना चाहूँगा रिफ्रेशिंग है। थैंक यू। नाना शाह का ट्रेलर देखा और मुझे प्रकाश झा साहब की मेकिंग की याद आ गई कि उस तरीके की फिल्म बहुत दिनों बाद शायद देखने में आएगी। जो रंग प्रकाश झा का थिएटर पे था, जो एक फील, जो एक रॉक किस्म की क्वालिटी में फिल्म बनाते थे, वो उस तरीके का रंग ट्रेलर देख के लगा है। बाकी फिल्म देखने के बाद शायद और मज़ा आएगा, वी विल इन्जॉय। और इसके बाद मेरी फिल्म आ रही है डायरेक्टर दिल्ली बस, निर्भया रेप केस पे, वो भी देखिए आप। दिल्ली बस, दिल्ली कर रहा है, वो क्या कुछ करना चाहिए ट्रेलर लॉन्च को लेकर, कैसे लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, एंड लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। और
ऐसे भी जिन्होंने फिल्म देखी है ट्रेड या कहीं भी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिव रहा है, लोगों ने पसंद किया। इसकी नैरेटिव ऐसी है, जैसा आप मेरे ख्याल से अशोक जी ने कहा, एक बार जो देखना शुरू किया उठे नहीं रुके नहीं, तो ये खासियत है इस फिल्म की। हमारे रितम जी हैं, उनका उनकी कलाकारी है, बहुत बढ़िया काम किया है। एज ए प्रोड्यूसर आपको ये चंबल का जो जॉनर उठाया हुआ है, लगा कि हाँ इस प्रकार के इस विषय पर फिल्में बनानी चाहिए? हाँ, नहीं, चंबल से ज़्यादा उस आदमी की कहानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये चंबल नहीं, आपको चित्रकूट के आसपास का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, तो ये अलग है। वो ये बिहड़ उस बिहड़ से थोड़ा अलग है, लेकिन हालांकि भाषा बहुत सिमिलर है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है बुंदेलखंड का यूपी में, और जितनी वहाँ कठिनाइयाँ लोगों को है, जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ होना असंभव नहीं है। और एक तरह से उसका उसकी पूरी जर्नी है इंसान की। जो शिव पटेल देख रहे थे, लोग सीटियाँ वटियाँ बजा रहे थे, तालियाँ वाले बजा रहे, खुशी हो रही थी? बहुत खुशी हो रही थी, इसमें मैंने आह्लादित हो रही थी, यही बोल सकते हैं, और क्या बोले। चलिए विश्वास के बाद कितनी चर्चाएं होंगी, कितने एक्साइटेड और क्या कुछ कहेंगे? तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ सभी लोगों का, क्रू और कास्ट का, जिन्होंने विच हैज़ मेड दिस हैपन। और ये फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, और आई एम जस्ट हैप्पी। और इसमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत तरह से सपोर्ट किया है, और बहुत दिन तक सपोर्ट किया है, तो मैं सभी के लिए बस थैंकफुल। ट्रेलर देख रहे थे, और तालियां सीढ़ियां बजा रहे थे, खुशी हो रही? नहीं, बहुत 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 खुशी हो रही सर सबको, हर फिल्म मेकर को भी। मेरी तो पहली फिल्म है। कब रिलीज हो रहे हैं? कितने? सही, 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2020 में ये आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच द फिल्म। कितने थिएटर में लग रही है और क्या कुछ कहना चाहिए? वो एग्जैक्टली परमिटेशन कॉम्बिनेशन पता नहीं, हमारी तो बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन लेकिन आई होप कि रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, और इट ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गेट, एंड देन इट रेसिप्रोकेट्स विद द नंबर ऑफ स्क्रीन। तो अभी तो स्क्रीन्स डिसेंट हैं, और होपफुली इफ इट वर्क्स we get more screens and more popularity, that's what, and more appreciation. Thanks, so, फिल्म का ट्रेलर देखा, ट्रेलर से तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है। प्रकाश जाकी जैसे फिल्में होती है, अपहरण है, ये उस प्रकार की फिल्म लगी, और फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, चलेगी अच्छी। और इसरार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके, कितने एक्साइटेड हैं? सर, पिक्चर तो मैं ऑल इंडिया रिलीज कर रहा हूँ, 500-700 थिएटर, और आई होप पिक्चर अच्छी जाएगी। गुड कंटेंट, आजकल कंटेंट ही चलता है, इस पिक्चर में कंटेंट और क्वालिटी दोनों ही है, बाकी और कुछ नहीं चलता है। नो गारंटी फॉर स्टार कास्ट। और रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का, देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा रिस्पांस है, एग्जीबिटर रिस्पांस है, और इनफैक्ट एक महीना पहले ही मैंने मोर देन 50% थिएटर ऑक्यूपाई कर दिए। थैंक यू। कब लग रही है और क्या? 7 फरवरी। निर्भया के अपराधियों को 22 तारीख की सजा हो गई है फांसी की, उसी दिन रिलीज करें, उसके आसपास रिलीज करने का प्लानिंग है। कभी भी। चलिए, करण भाटिया फ्रॉम दिल्ली यूपी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। कितने एक्साइटेड है सर ट्रेलर को देख के? ट्रेलर इज़ वेरी गुड, प्रॉमिसिंग ट्रेलर, अच्छा है। भीड़ के ऊपर पूरी एकदम ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल भीड़ के ही फिल्म है। Okay. बहुत अच्छी बनी हुई पेस है। रिस्पॉन्स कैसा रहा? अंदर तो अच्छा बजा रहे थे, सिटियाँ बजा रहे थे, नहीं अच्छा खुद ही हो रही थी, पैसा वसूल है आपका? वर्थ है, वर्थ है। चलिए, विश्व ट्रेलर में पूरा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और इस फिल्म के लिए सबसे पहले जो मुकेश जी ने मेरे को इनवाइट किया था, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी हुई थी, हिम्मत कभी बनती नहीं थी कि ऐसा कभी होगा या कभी कुछ कर पाएंगे, मगर मुकेश जी के मिलने के बाद, फ्रेम टू फ्रेम प्रोडक्शंस के बाद, मिलने के बाद लोग, स्क्रिप्ट अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, लोग अच्छे थे, शुरू किया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, लोग मिलते गए, कारवा बनता चला गया, यूथ जुड़ रहे काफ़ी इससे, क्या कह रहे यूथ जुड़ रहे हैं सर? पिक्चर आज के दौर की है, और फिर मैंने पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है, आजकल कंटेंट ही चलता है, स्टार कास्ट नहीं चलती है, किसी की कोई गारंटी नहीं, बस थैंक यू। जब ट्रेलर देख के निकल रहे थे, लोग सीटियाँ बजा रहे थे, और बहुत शोर शराबा हो रहा था अंदर, आप कितने एक्साइटेड हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है जब बाहर निकल रहे, आपको मिल रहे हैं?
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और सबको जो एक प्योरनेस, जो इनोसेंसी है, जो ईमानदारी है इस कैरेक्टर को करने के लिए, मैंने दिल से किया है, मैंने कहीं कोई चीटिंग नहीं की है, कोई बनावटीपन नहीं, जो प्योरनेस है आपको मेरी परफॉर्मेंस में इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। मैं अग्री करता हूँ जो दिलीप कह रहे हैं। और रही बात पूरे फिल्म में, आप सारे परफॉर्मेंसेस देखिए, सारे परफॉर्मेंसेस जेन्युइन है, बिकॉज हमारे डायरेक्टर साहब कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं, रितम श्रीवास्तव, रितम ने इसको इतना रियल जोन में रखा है। मुझे याद है कि जब मैं भी सेट पे पहला दिन पहुंचा, मेरा सबसे पहला सवाल था कि इसको करना कैसे कैरेक्टर को, इज इट सर जो आपका दिल बोलता है लेकिन व्हाटएवर यू डू डू इट रियल। मैंने कहा ये कैरेक्टर बहुत ही, अगर इस आदमी के टक्कर में अगर किसी को आना है तो ये बंदा ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो करेगा। तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, मेरे लिए चैलेंजिंग था। और बाकी जो शूट के माहौल, मतलब वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि दिलीप के लिए तो फिर भी वो वहाँ से हैं, यूपी साइड से हैं, मैं बम्बईया हूँ, मतलब पला बड़ा यहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था एंड आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट मोर देन एनीथिंग। दिलीप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा के दौरान? बिल्कुल, शूट के दौरान हम लोगों के बजट बहुत कम थे फिल्म के, हमारे प्रोड्यूसर्स के, एक्शन सीक्वेंस है, ये मुझे चेज कर रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ, तो एक 40 करीब 40 फीट ऊंची की पहाड़ी थी, उससे मुझे बम लगता है और ये पीछा कर रहे हैं और रोल होके नीचे जाना था, तो हमारे पास सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं था, खाली नी पैड दिया हुआ था और हमारे डायरेक्टर ने पूछा कर लोगे दिलीप, तो मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो आप देखेंगे, आपको रियल देखने को मिलेगा, मैं पूरा स्क्रॉल किया और नीचे तक गया और फिर पानी में गिरा, मेरा पैर बैंड हो गया, तो मेरे पैर में मिनिस्कस टीयर कुछ बोलते हैं, तो मैं ऐसे लंगड़ाते पूरा एक्शन किया सर में। और इसके बाद जब आया यहाँ पे जांच कराई तो पता लगा कि आपका पैर जो है गिरे हैं, बैठे हैं तो मुड़ गया, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, तो बाद में फिर कोकिलाबेन में भर्ती हुआ, अपना ऑपरेशन कराया और अभी एक साल से ठीक हूँ, दौड़ रहा हूँ और चल रहा हूँ। नहीं, अभी तो ये दौड़ेंगे, अभी तो बहुत जोर जोर से दौड़ेंगे। ओके ओके, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब लग रही है? ये 7 फरवरी 2020 को फिल्म लग रही है सभी सिनेमा हॉल में, जो भी नज़दीकी आपके पास हो, अगर थोड़ा दूर भी लगे, क्योंकि शायद कोई और भी फिल्म हो तो आपके नज़दीक वाला सिनेमा हॉल ना मिले, वो आपको यहाँ का हिंदुस्तान का पता ही है कि सिनेमा हॉल थोड़े कम है, पब्लिक ज़्यादा है, तो आप वहाँ तक कष्ट करिए, हमारे लिए जाइए, जहाँ भी हो ढूंढिए, बुक माई शो या जैसे भी आपको न्यूज़ से जैसे पता चले, बॉलीवुड हंगामा, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप जाइए उस सिनेमा हॉल में, हमारी पिक्चर को देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सराहिए और उसको सोशल मीडिया पर भी लोगों को बताइए, ताकि दूसरे लोग भी इस फिल्म को देखें और इसको एंजॉय कर पाए। और मुझे तानाशाह देखने का एक बहुत अच्छा एक वजह है मेरे पास, बिग फिल्म बट ऑन अ स्मॉल बजट एंड एन इवन बिगर हार्ट, ये फिल्म दिल से बनी है, दिल से देखिए प्लीज रिक्वेस्ट।